नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग और फार्मिंग में। साथियों, हम रोज किसी ना किसी फसल की, किसी पौधे की हम बात करते हैं या उससे जुड़ी तकनीकी की बात करते हैं, लेकिन आज हम न फसल, न पौधे, न तकनीकी की, बल्कि एक समस्या जो किसानों के सामने इस समय रबी फसलों की जब बुआई करने जा रहे हैं तो उनके सामने एक समस्या आ रही है, और ये समस्या है उर्वरक की। और वो उर्वरक है DAP, जिसे किसान कह देते हैं डाई, या डाई अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेटिक उर्वरकों में दुनिया में सबसे लोकप्रिय उर्वरक है DAP, और उसी की आज हम बात करेंगे, क्योंकि उसकी उपलब्धता में कुछ समस्या आ रही है। रोजाना कहीं ना कहीं पेपर में, आपने न्यूज में सुनने को मिल जाता है कि वहां पर DAP उर्वरक रबी फसलों की बुआई के लिए नहीं मिल पा रहा है, और दिमाग में किसान के ये बैठ गया कि ज्यादा खाद डालने से, ज्यादा बीज डालने से, ज्यादा रासायनिक जहरीली दवाइयां डालने से, ज्यादा पानी लगाने से ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा पैदावार होती है। ये ज्यादा की होड़ की वजह से सब गड़बड़ हो गया। तो साथियों, पहले तो दिमाग से हमें ये निकालना पड़ेगा कि ज्यादा नहीं, ये शब्द संतुलित है, बैलेंस है, मतलब बैलेंस मात्रा में हमें उर्वरकों का प्रयोग करना है। ये रासायनिक उर्वरक है, ये हानि पहुंचा देते हैं अगर ज्यादा है। अब देख ही रहे, हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और मनुष्यों के स्वास्थ्य में भी इन रासायनिक जहरीले जहरों का इनका असर हमारे ऊपर पड़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा पड़ जाता है, हैं, जो बीमारियां बड़े बुजुर्गों को नहीं होती थी वो बच्चों को हो रही हैं। तो एक तरह से ये हमारे स्वास्थ्य पर भी असर आ रहा है और हमारी मृदा पर भी, स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये चीज़ पहली मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमारे वैज्ञानिक भी, हमारे विशेषज्ञ भी एक बात कहते हैं के मिट्टी की जांच कराने के बाद ही संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले हमें मिट्टी की जांच करानी, फिर उसके बाद हमें उसमें क्या डालना ये निर्धारित करना है। दूसरी बात, वैज्ञानिक हमारे ये कहते हैं कि आप मिट्टी की जांच नहीं करा सके, किसी वजह से नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं, आप जो जिस फसल के लिए, जिस पौधे के लिए जितनी मात्रा संस्तुत है, रिकमेंडेशन है, जिसकी जो उन्होंने अनुमोदित की है, उस मात्रा में ही आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो हमें मृदा परीक्षण के आधार पर या वैज्ञानिकों की संस्तुति के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना है, और खास करके रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी INM, यानी एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना है। हमें अपने इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला है फसल चक्र। हमें एकल फसल, एक धान गेहूं यही लिए तैयार है, गन्ना ही बो रहे हैं, हमें अपने खेतों में फसल चक्र को बदल कर फसलों को लेना है। अपने फसल चक्र में आप एक हरी खाद की फसल, जैसे ढेंचा सनी होगी, इनमें से एक जरूर होगी। दूसरी, हमें दाल वाली फसल, वैज्ञानिकों का कहना है कि 78% नत्रजन, नाइट्रोजन या यूरिया हमारी हवा में, अब उसको हमें उपलब्ध नहीं, हम तो ला नहीं सकते उसको, पौधे ला सकते हैं। तो दाल वाली फसलें जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, वो अपनी गांठों में इकट्ठा करते हैं, कुछ अपने प्रयोग करते हैं, कुछ दूसरी फसल को देते हैं। तो हमें अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश करना। तीसरा, हमें खाद्यान्न, जो धान गेहूँ ये फसल ले लीजिए। चौथा, मोटा अनाज की फसल जरूर ले लीजिए, क्योंकि मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, उससे ज़्यादा उर्वरक खाद की जरूरत नहीं होता। तो एक तो फसल चक्र को अपनाना, मतलब एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमें क्या करना, उनका कहना यह है केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, हमें कार्बनिक खादें, जैसे हमारी गोबर की खाद, हमारे केंचुओं की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सिटी कंपोस्ट, ऐसी बहुत सारी कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। और तीसरा, तब हमें रासायनिक जो उर्वरक है उनका, यूरिया, DAP, पोटाश, जैव उर्वरक जैसे बायोफर्टिलाइजर जिनको कहते हैं, इन तीनों का समावेश संतुलित मात्रा में प्रयोग करना अपनी जमीन को। कृषि में सबसे महंगा कृषि निवेश ये उर्वरक ही है, खास करके रासायनिक उर्वरक। तो ये हमारी मृदा को भी खराब कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, हमारी बहुत सारी मुद्रा विदेशों को चली जा रही है, हम सब्सिडी एक्चुअली, क्योंकि इस पर अनुदान मिल रहा है। आप बोरा जब खरीद के लाओ तो उसमें देखिएगा, उसमें कीमत भी लिखी रहती है, उसमें अनुदान भी लिखा है कि गवर्नमेंट ने कितना दिया, तो उस बोरे भी लिखा होता है। तो हम बात कर रहे थे इसके विकल्प की, तो DAP के बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे NPK,
डीएपी में तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, और एनपीके में तीन चीज़ें, एनपीके कई कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे 12-32-16 ये काफ़ी प्रचलित है, तो 19-19-19 भी आता है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों। तो ये इसकी जगह पे हम डीएपी की जगह एनपीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके हमारे पास उपलब्ध है, तो आप उसमें देखिए कि एनपीके में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है, तो उसमें जिस कॉम्बिनेशन में आप देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो उसमें 18-46 है तो इससे हमें कितना मिल जाएगा। तो साथियों डीएपी का मैंने पहला विकल्प बताया, एनपीके 12-32-16 आप लीजिए, बहुत बढ़िया है, उसको और भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। तो इसमें क्या है, पोटास भी है, किसान पोटास इस्तेमाल नहीं करता, जबकि पोटास को इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास में क्या होता है कि पोटास जो होता है, जो अपने पौधे होते हैं इनके अंदर स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में भी, पत्तियों में जो स्टोमेटा वो खुलते बंद होते रहते हैं, इसको नियंत्रित करने का काम ये पोटास करता है, कि उनकी वजह से, स्टोमेटा की वजह से, उनके छिद्रों की वजह से, उनकी वजह से इनका भोजन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। आप पानी उनको ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, ये उसको नियंत्रित करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग को ही नियंत्रित करता है पोटास। दूसरा, ये दानों पे, फलों पे अपने जो उत्पादन है उस पर चमक लाता है, तो पोटास जो अपनी होती है ना, रोग रोधी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, स्वस्थ व्यक्ति को बीमारियाँ कम लगती हैं, इसी तरह अगर स्वस्थ मृदा है, स्वस्थ मिट्टी है, तो उसको बीमारियाँ कम लगती है। तो मिट्टी को स्वस्थ बनाने का क्या, वो खाली रासायनिक उर्वरक डालने से स्वस्थ नहीं, इससे तो खराब होती है मृदा, बीमार होती है। ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि आपने यूरिया का इंजेक्शन लगाया, या जैसे गाय को ना, भैंस को आप इंजेक्शन लगाते उसे ऑक्सीटोसिन का, और दूध निकाल लिया, क्योंकि उसके अंग लूज पड़ जाते हैं उसमें और दूध निकल आता है। तो ऐसी मिट्टी में इंजेक्शन लगाना हो गया तो कितने दिन तक ऐसे इंजेक्शन लगा के आप इससे दूध निकालते रहोगे। मृदा स्वस्थ तब होती है, देखो एक दोस्ती होती है, दोस्ती कब अच्छी चलती है, एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसे मिट्टी के साथ है। आप अगर एक हेक्टेयर से 100 क्विंटल गेहूं ले रहे हो, तो 100 क्विंटल उसे लौटाओ, क्या आपने गेहूं भूसा ले लिया, उसके बदले में आप उसको गोबर की खाद दो, हरी खाद दो, आपने दलहनी फसल बोई, दलहनी फसल की फलियां तोड़ ली, उसको उसी में जो तो फसल अवशेष जिसको आप जला के बर्बाद कर देते हो, चाहे वो धान का हो चाहे गेहूं का हो, जो फसल अवशेष है उसको उसी में रखिए। गवर्नमेंट कितना जोर दे रही है, प्रदूषण हो रहा है इसको रोकिए, और उसको जोतने के लिए, पलटने के लिए कृषि यंत्रों पर छूट दे रही है, हैप्पी सीडर, जीरो टिल में जो आपको जुताई उताई तैयारी नहीं करनी, सीधे आपको पौधे दे रहा है, उसमें बीज और खाद पौधों में सही जगह पर पड़ता है, पौधा ले लेता है। तो हमें अपनी मृदा को स्वस्थ बनाना है तो उसमें ये कार्बनिक खादों को डालना है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अगर जमीन में होते हैं तो हमारे जीवाणुओं की, हमारे लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, उनकी गतिविधि बढ़ जाती है, और वो अच्छा काम करते हैं, तो एक स्वस्थ मृदा होती है, और वो स्वस्थ मृदा रोग रोधी प्रति क्षमता उसमें, इम्यूनिटी उसमें ज़्यादा होती है, जैसे कह देते हैं इंसानों में हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई तो वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमारा ये पोटास भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो ये जो हमारी होती है ना कार्बनिक जैविक खाद है, ये एक तरह से ऐसे कि जैसे इंसान दूध पी लेता है ना, उसमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो उस तरह का काम ये हमारे करती है। इसके बाद दूसरा विकल्प है सिंगल सुपरफास्फेट। सुपरफास्फेट जो होता है ना, बस ये आपको जैसे डीएपी में 18-46 है एक बैग में, 18 नाइट्रोजन और 46% उसमें फास्फोरस, तो इसको बनाने के लिए आप 20 किलो यूरिया ले लीजिए, 3 बैग ले लीजिए सिंगल सुपरफास्फेट के, बन गया, और लगभग उतने में ही पड़ेगा, तो जितने का आपका वो डीएपी का बैग आएगा उतने का ही ये आ जाएगा, तो आपके पास सिंगल सुपरफास्फेट है दूसरा विकल्प। तीसरा, अब नैनो डीएपी बनने लगा, तो नैनो डीएपी भी आ रहा है, नैनो डीएपी से बीज का शोधन कर लीजिए, नैनो डीएपी वो क्योंकि तरल है भी है, तरल में है, तो उसका आप बीज का शोधन कर लीजिए, एक माह आपने बुआई कर दी, एक माह के बाद उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, तो आप नैनो डीएपी भी ले सकते हैं। देखिए बायो फर्टिलाइजर होते हैं ना जैविक जो होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलम, ये नाइट्रोजन हमारे पौधों की बचत करते हैं, एक चौथाई की बचत कर दी, 4 बैग अगर यूरिया डाले तो 3 ही बैग डालने पड़ेंगे, एक चौथाई की बचत कर दी। ऐसे ही हमारा जो है ना पीएसबी फॉस्फेट सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, हम जितनी भी खाद हम डालते हैं ना रासायनिक, उसमें से फसल जो 30% ले पाती है, बाकी 70% तो जमीन में डीएपी वहीं पड़ी रह जाती है, या यूरिया है वो बह जाती है, यूरिया चारों तरफ चलती है दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वो वैसे वैसे करती है और प्रदूषण फैलाती है, हमारे पानी को भी खराब कर देती है, नदियों में जाती है, तो ये 30% और बाकी 70 तो पड़ी है। तो फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जो जीवाणु हैं जिनको मैं कह रहा हूँ, ये कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ डालना, इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी, तो उसके लिए हमें फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ये जैव उर्वरक आते हैं। अब जैसे डीएपी पड़ी हुई है लेकिन जड़ को नहीं मिल रही, तो ये एक तो घुलनशील बना देता है ये पीएसबी, तो एक होता माइकोराजा,
माइकोराइजा को क्या करते हैं, वो अगर तूर भी पड़ी है वो अपनी जड़ों तक उपलब्ध करा देता है, वो इस तरह की चीर बनाता है कि अपनी जड़ों को उपलब्ध करा देता है, हमारी इस डीएपी को, इस फास्फोरस को उपलब्ध करा देता है, तो वो उससे मिल जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे जैविक खेती में एक प्रॉन होता है ना, फॉस्फेट रिच मैन्योर जो होता है, और तो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी फॉस्फेट को काम करता है। तो बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, बहुत सारे उर्वरक हैं जो जिनसे हम इसमें अपनी फसलों में जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उपलब्धता है उनकी। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आपको उर्वरक जो लेनी है वो लेनी है अपनी पंजीकृत दुकान से, जिसके पास लाइसेंस होता है और पोस मशीन से बेचते हैं वो, क्योंकि सब्सिडी जो दी जा रही है वो किसान के लिए दी जा रही है, और वो खाद कहीं और इस्तेमाल हो तो वो सब्सिडी उसके लिए तो है नहीं। इस समय नकली डीएपी भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, नकली बना देते हैं लोग, ऐसे जिप्सम वगैरह की गोली सी उसकी तरह की बना देते हैं, बिल्कुल डीएपी जैसी लगती है। तो उसको पहचान का मैं तरीका बता दूं कि थोड़ी सी डीएपी आप अपनी हथेली पर लीजिए, और ये जो चूना होता है ना जिसको लोग खाते हैं पान वान में खाते हैं, उसी चूने को लेकर हाथ उस पर डीएपी उस पर हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ेंगे ना, जैसे पान को रगड़ते हैं, मसाले को रगड़ते हैं, कुछ लोग खाते हैं जो दांत में लगा, उसी तरह रगड़ना है और फिर सूंघना है, तो उसमें बहुत तेज गंध आती है, वो सहन करना मुश्किल हो जाता है। या कुछ दाने आप तवे पर डालिएगा तो तवे के दाने फूल जाते हैं, तो ये भी आप देख लेंगे ना, तो एक अच्छी उर्वरक आपको मिल जाएगी, और उसका सही संतुलित मात्रा में प्रयोग करिए। क्योंकि देखो इसकी प्रवृत्ति जो होती है ना, इसकी प्रकृति होती है डीएपी की क्षारिया होती है, ये मिट्टी को क्षारिय बना देती है, जबकि हमारी जो बाकी खादें होती है ना वो उसको संतुलित करती है, न्यूट्रल करती है पीएच को। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हमारा भी स्वास्थ्य सही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।